नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके ही विधायक ने उनके इस दावे की पोल खोल रख दी। जहां एक निजी कार्यक्रम में सांसद और पूर्व मंत्री कलराज मिश्र समेत कई और भाजपा विधायक पहुंचे थे, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के खोराराम क्षेत्र जहाँ एक निजी विद्यालय के वार्षिक उत्सव में पहुंचे देवरिया सदर के विधायक जनमेजय सिंह मंच से बच्चों को संबोधित कर रहे थे। विधायक जी ने मंच से अपनी पीड़ा कहते हुए कहा कि मेरी सरकार है, यह कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि जनपद में विद्यालय अब कुटीर उद्योग बन चुका है। सेंटर भी उन्हीं का बना है जो लाठी से मार मार कर 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। मैं गया था विद्यालय निरीक्षक के पास और उनसे कहा कि जिसका मानक है उनको सेंटर नहीं दिया जा रहा है और जिसका कोई मानक नहीं है उसे सेंटर दे रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री और सांसद कलराज मिश्र और रामपुर कारखाना के विधायक कमलेश शुक्ला फिल्मी गानों के धुन पर बच्चियों को नाचने पर शाबाशी दे रहे थे। विद्यालय का वार्षिकोत्सव था और इस क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण विद्यालय है, बड़े योग्य लोग इसका संचालन कर रहे हैं। निष्प्रिय भाव से बालिकाओं का अधिक से अधिक शिक्षण हो सके इसके लिए प्रयासरत है विद्यालय। इस ऐसे विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर और जिन लोगों ने इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के दृष्टि से प्रयास किया था, ऐसे परिवार के मुखिया के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मैं यहाँ आया। शिवसेना ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव को तमाशा बना दिया है, इसके क्या कहा? शिवसेना को लगता होगा क्योंकि शिवसेना का तो वहाँ कोई है नहीं, इसलिए शिवसेना को कहने का ये औचित्य नहीं है, इस बार की भाषा बोलना उपयुक्त नहीं है।